हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर टेंजेंट कंस्ट्रक्शन ए. टू कंस्ट्रक्ट द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू गिवन सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ वन एंड रेडियस इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं जिनकी रेडियस 2.5 है और वो इक्वल हैं. एक का नाम है ओ और दूसरे को ओ वन. और यहाँ पर हमें कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले हम दो जो हमारे सर्कल हैं उनको ड्रॉ करेंगे. रेडियस ले लेंगे कंपास में 2.5. एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे. इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं दी गई है. अगर दी गई होती तो हम उसी डिस्टेंस पे दूसरा सर्कल ड्रॉ करते. तो ये हमने दो सर्कल ड्रॉ किए हैं. इनके सेंटर भी हमें पता है. ये है ओ वन, ये है ओ. इनके जो सेंटर पॉइंट हैं इनको आपस में ज्वाइन करो. कंस्ट्रक्शन करेंगे. अब दोनों पर इधर ओ पर और ओ वन पर सेंटर लेके 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. आपको 90 डिग्री एंगल बनाना पता है कैसे बनता है. इसी तरह से ओ सर्कल पे भी हमें एक 90 डिग्री एंगल करेंगे. जब हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है तो इस एंगल ने इस सर्कल की सर्कमफेरेंस को पॉइंट ए पर क्रॉस किया है. यहाँ पर पॉइंट बी पर क्रॉस किया है. ए को बी से मिलाएंगे. ये हमारा आंसर है और ये हमारी कॉमन टेंजेंट है. इसको हम डार्क ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हमने जो हमें इसकी रेडियस दी गई है वो भी हमें लिखनी है. ये रेडियस है इसकी 2.5 सेंटीमीटर. इसकी रेडियस भी 2.5 सेंटीमीटर. और सर्कल ड्रॉ करने के बाद दोनों सेंटर पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है जो उसकी सर्कमफ्रेंस को पॉइंट ए पर और दूसरे सर्कल की पॉइंट बी पर क्रॉस करेगी. ए को बी से मिलाएंगे और डार्क खींचेंगे. ये हमारी टेंजेंट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी.